मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शनिवार को रांची लौट आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो फिर जल्द ही झारखंड से जुड़े मामले और मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से पूरी तैयारियों के साथ मिलेंगे। उसमें झारखंड की समस्याओं पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तार से बातचीत होगी। वैसे उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि झारखंड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई मामलों में झारखंड जरूर देश में ऊपरी पायदान पर है, लेकिन कई मामलों में इसकी स्थिति एकदम उलट है। झारखंड बहुत पिछड़ा है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से कहा है कि इसमें सामंजस्य बनाते हुए राज्य को तेजी से आगे की ओर ले जाने की जरूरत है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से झारखंड को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा था और समय के अनुरूप मुझे आज उनसे मिलने का मौका मिला। आज संयोग से आज दिन भर मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक दिन रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हो गई। आज आदरणीय गुरुजी का भी जन्मदिन है और आज हमें पता चला है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है और सब लोग इधर उधर हैं, कहीं कहीं होंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और आज प्रधानमंत्री से बात करके भी उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि राज्य को गति देने के लिए, विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। और इसी पर हमारे साथ संपादक कुंदन कृतज्ञ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं, झारखंड को लेकर बातचीत की जाती है, पूरी जानकारी निकल करके आती है, आखिर किन किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है? कुंदन जी देखिए दादा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई है, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और दूसरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और दोनों मुख्यमंत्रियों से जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की, दोनों अलग अलग वातावरण में हुई है और माहौल दोनों के अलग थे। जहां हेमंत सोरेन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, हेमंत सोरेन ने राज्य को लेकर जितनी भी समस्याओं की बात की है और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, केंद्र की जितनी योजना। बिल्कुल, और कुंदन जी जिस तरह से सीएम साहब ने प्रधानमंत्री से इस बात को कहा कि झारखंड काफी पिछड़ा है और उसे आगे ले जाने की जरूरत है, तो क्या इस बात को प्रधानमंत्री भी मानते हैं, क्योंकि पहले बीजेपी की ही सरकार थी वहां? देखिए, राज्य पिछड़ा है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राज्य का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है और बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लें या जीडीपी की बात कर लें, सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लें या प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, उन तमाम मामलों में झारखंड बाकी राज्यों से नीचे की स्थिति में है। अगर पूरे देश में बात हम कर लें तो पूरे देश में झारखंड की स्थिति निचले पायदानों पर कहीं जाकर टिकती है। और इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए भी बात की है, एक स्पेशल पैकेज देने की बात की है, खनिज के रॉयल्टी को लेकर बात की है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खुलवाने की बात की है, केंद्र की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं रुकी हुई हैं पैसों के अभाव में, उन पैसों के लिए बात की है, क्योंकि जो मौजूदा बजट है वो बजट 31 मार्च 2020 तक के लिए है और इसके आगे आने वाले साल में जिस तरीके बिल्कुल और कुंदन जी जिस तरह से आने वाला है, बिल्कुल कुंदन जी लेकर बात की गई है। कुंदन जी जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीएम साहब फिर से प्रधानमंत्री से मिलेंगे, झारखंड की समस्या पर बात करेंगे, विस्तार से बात होगी, आखिर कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख होंगी जब बातचीत होगी? तो देखिए, यह हेमंत सोरेन की पहली औपचारिक मुलाकात थी, इसको शिष्टाचार मुलाकात भी कह सकते हैं। यह एक प्रोटोकॉल के तहत आता है कि जब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो शपथ लेने के बाद वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी बाकी वरिष्ठ मंत्री हैं और केंद्र में जितनी सरकार है वहां पर जो मंत्री हैं उनसे एक औपचारिक मुलाकात होती है। राज्य में विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न विभागों को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को लेकर चर्चा होती है, उसमें अलग अलग बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा की जाती है। हेमंत सोरेन ने रांची लौटने के बाद प्रेस वार्ता में स्पष्ट तौर पर कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई है लेकिन विशेष तौर पर बात नहीं की गई है, विस्तार पूर्वक बात नहीं की गई है, और जब वो अगली बार जाएंगे
मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से, तब उस दौरान वो तमाम मुद्दों पर, बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उनके साथ अधिकारियों की पूरी टीम होगी जो प्रधानमंत्री के साथ एक प्रेजेंटेशन देकर राज्य के विकास की बात करेगी। जी शुक्रिया कुंदन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।